सो गाइज, जो आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऑटोमेटिक डोर का मॉडल। मैं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल क्रेजी XYZ। फाइनली गाइज, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइज, आज का जो मेरा एक्सपेरिमेंट है इस ऑटोमेटिक डोर का मॉडल के ऊपर होने वाला है दोस्तों। देखिए, ये रहा मेरा ऑटोमेटिक डोर, मेरा इंट्रा डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भी रह चुका है। तो गाइज, आज का जो दुनिया है बहुत ही एडवांस हो चुका है, तो क्यों ना हम अपने अपने घर का डोर को भी ऑटोमेटिक डोर बना लें। तो डोर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्रेम को तैयार किया जाता है। देखिए गाइज, ये जो मेरा डोर है इसमें हम एल्युमिनियम का फ्रेम को यूज किए हैं, ताकि ये जो मेरा डोर है वो आसानी से इस पर फिट बैठ सके, हिल डोल ना हो सके दोस्तों। और भाई, ये जो मेरा डाउनवर्ड का जो पोजिशन है इसमें यूज किया गया है एक बॉल बैरिंग स्लाइडर। इसका काम है दोस्तों, जो हमारा डोर है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पोजीशन में जो मूव होता है उसको मैंने कि लेस फ्रिक्शन बनाता है, मैंने आसानी से वह कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। देखिए कितना आसानी से ये मूव कर रहा है। तो इसका मैकेनिज्म तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। तो भाई, इस वीडियो में आप जो भी देख रहे हैं इसे आप कहीं भी किसी भी वक्त आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरा क्या, आई थिंक कि मेरा नस नस में एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं इसी के लिए ही तो पैदा ही हूँ। तो आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि ये जो मेरा डोर है वो फिर से थेलने ढकेलने के ऊपर काम कर रहा है। हम आप लोगों को बताते हैं, इसका अंदर का जो मैकेनिज्म का राज है वो रैक एंड पिनियन के ऊपर है दोस्तों। तो आइए हम रैक एंड पिनियन के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, ये रहा मेरा पिनियन और ये जो रहा मेरा रैक है, जो वो डोर से कनेक्ट है वो रैक है। इसमें बहुत सारे तीथ को बनाया गया है, और ये है जो पिनियन है इसमें भी बहुत सारा तीथ को बनाया गया है। और रैक और पिनियन दोनों का जो तीथ है एक दूसरे से कंबाइंड रहता है, यानी अटैचमेंट रहता है। जब हमारा पिनियन रोटेट होता है तो रैक भी चलता है, रैक के साथ ही जो हमारा डोर है वो कनेक्ट है। देखिए तो कैसे घूम रहा है, जब हमारा रैक को हम इधर फॉरवर्ड करते हैं तो जब हमारा पिनियन भी रोटेट होने लगता है, और इसे हम क्लोज करते हैं तो भी हमारा पिनियन रोटेट होने लगता है। तो इसी बेसिस पे हमारा रैक एंड पिनियन काम करता है। एक बात और है दोस्तों, जो हमारा ये मोटर है पिनियन के जो सेंटर का होल है उससे एक शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है, ताकि हम उसमें एक मोटर को कनेक्ट कर सके, या किसी भी शाफ्ट को कनेक्ट करके हम इसे चैन के द्वारा या बेल्ट के द्वारा या डायरेक्ट मोटर के द्वारा हम इस पिनियन को रोटेट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे जो मेरा डोर है वो काम करता है। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं अपने इस रिमोट के ओर कि कैसे मेरा रिमोट काम करता है, दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, जो मेरा रिमोट है उसको कैसे काम करता है, इसे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट कर चुके हैं। देखिए, इसमें दो बटन को लगाया गया है, एक बटन को प्रेस करने पे हमारा इधर क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और दूसरे बटन को हमें प्रेस करने पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। यानी कि ये जो कार्बन हमारा दिख रहा है यहाँ पे हमारा टच होता है ये दोनों वायर, और करंट को सप्लाई कर देता है यहाँ इसके दो इस मोटर को करंट को सप्लाई कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, वो करंट को सप्लाई कर देता है। तो गाइज, अब हम इस डोर को हम चलाने वाले हैं। तो देखिए, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक तो कनेक्ट हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट कर चुके हैं, अब हम इसे चला के दिखाते हैं। ये रहा मेरा रिमोट, देखिए जब ये यहाँ पे जैसे ही सटता है तो हमारा जो डोर है वो ओपन होने लग जाता है। तो देखिए, ये डोर है जो ओपन हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो डोर है वो क्लोज हो गया। फिर से हम एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया, फिर से हम इसे एक बार क्लोज करते हैं। तो इसी बेसिस पे जो हमारा डोर है वह काम करता है। हम फिर से इसे एक बार इधर करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए ओपन हो चुका है यह, अब फिर हम इसे क्लोज करते हैं। तो
भाई रहा ना ये इंटरेस्टिंग की वीडियो, हम आप लोगों को एक बात बोलना चाहते हैं, गरीब होना कोई पाप नहीं है दोस्तों, गरीब होना कोई पाप नहीं है दोस्तों। जिस तरह से एक घोड़सवार अपने घोड़े को बहुत ही मारता है, बहुत ही पीटता है, लेकिन उस घोड़े को समझ में ही नहीं आता है कि मेरा मालिक मुझे इतना क्यों टॉर्चर कर रहा है। लेकिन भाई असल में तो ये बात है कि घोड़े को रेस में जिताना चाहता है, ताकि मारने से जो घोड़ा है रेस में जीत जाए तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। इसीलिए अगर हमारे पास मुसीबत है, हमारे पास गरीबी है, तो हमारे जो गॉड है, हमारे परमात्मा है, वो हमें प्रेरित करते हैं कि तुम बहुत ही हार्ड लेबर करो, बहुत ही हार्ड लेबर करो, अपने विदेशों को पीछे छोड़कर अपने देश को आगे उड़ान लेकर भरो। जिस तरह से हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने देश को लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए थे, उसी तरह से हम लोग को भी एक बार अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। करो करो सब्सक्राइब करो, ये चैनल आप सब जनता की है दोस्तों। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।